I means यहाँ पे एलिकल ग्रुप R और OH दोनों की रिएक्शन में C टाइप में एक साथ आएंगे। केमिकल रिएक्शन में अपन कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, उसमें तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं। और तीसरा जो टाइप है वो रिएक्शन इन्वॉल्विंग का बोथ एल्किल एज वेल एज OH ग्रुप ये आ रहा है। यस या नो? इस टाइप की जो रिएक्शन है सम इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस टाइप, कार्बन और OH ग्रुप दोनों की जो एक साथ शो होने वाली जो रिएक्शन है उनके कुछ एग्जांपल मैं आपको नीचे शो कर रहा हूं। पहला आ रहा है एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एसिडिक डिहाइड्रेशन रिएक्शन हिंदी में बोले तो अम्लीय जल अपघटन रिएक्शन। दूसरा आ रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरा क्या आ रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके बाद आ रहा है मैकेनिज्म ऑफ द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन की जो मैकेनिज्म रिएक्शन है वो पूछ रहा है यहाँ पे, तीसरा टाइप है। यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में वो ये बन रहा है एल्कोहल की मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए, ये पूछेगा यहाँ से। इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तो बेसिक क्लियर करने के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की मैकेनिज्म रिएक्शन दिखाइए डिहाइड्रेशन होने वाली, एल्कोहल से वाटर का डिहाइड्रेशन कैसे होता है। इसका मतलब ये सिंपलली एल्कोहल से वाटर का डिहाइड्रेशन कैसे होता है, एल्कोहल से किस प्रकार से जल बाहर निकल जाता है, कॉमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूं तो आपके सामने निकाल के दिखाऊंगा। दिस टाइप रिएक्शन कंप्लीट थ्री स्टेज, यह रिएक्शन तीन स्टेज में पूरी हो जाएगी। इसका जो पहला स्टेप होगा ये होगा, पहला जो स्टेप है वो तीसरे स्टेप में यूज होगा, ध्यान से समझना है। H2SO4 इज रिवर्सिबल रिएक्शन HSO4 प्लस H, इसका मतलब क्या है? H2SO4 HSO4, ये H2 जो था इसमें से एक H बाहर निकल के और हाइड्रोनियम आयन के रूप में यहां सेपरेट हो गया, एसिडिक रिएक्शन है। मैंने बताया था किसी भी एसिड की पावर ऑफ स्ट्रेंथ एसिड को जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम H प्लस आयन की पावर चेक करेंगे। H प्लस आयन को हम हाइड्रोनियम आयन से पहचानते हैं, इससे पहचानते हैं हाइड्रोनियम आयन से। तो ये H2SO4 एसिडिक नेचर में होता है, बेसिस बोलो एसिडिक होता है, और एसिडिक क्यों होता है क्योंकि इसमें H प्लस आयन होता है। किसी भी एसिड की पावर को जांच करने के लिए हमें किससे टेस्ट करना होता है? एच प्लस आयन को। अब देखो पहला जो स्टेप आ रहा है उसको समझना है, CH3CH2OH ये जो मैंने लिखा है इसको ढंग से देखना है, इसको यहाँ पे लिख के भी दिखा रहा हूँ। CH3CH2 और OH ये लिखा है मैंने, देखो इसको यहाँ पे ओपन कर रखा है, ओपन इसलिए कर रखा है डियर क्योंकि ये मैकेनिज्म रिएक्शन है, और मैकेनिज्म रिएक्शन होने की वजह से मैं इसे खोल के दिखा रहा हूँ। एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथी वैलेंसी कार्बन से पूरी कर रहा हूँ, दो वैलेंसी यहाँ पे पूरी हो गई और तीसरी वैलेंसी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है और इस प्रकार से फॉर्मेट हो गया CH3CH2OH, जिसे मैं बोल सकता हूँ एथेनॉल या एल्कोहल। आता कोई डाउट? इसके बाद इसमें जैसे मैंने H प्लस आयन जोड़ दिया तो ये बन गया, देखो ये OH था ना डियर, ध्यान से देखना OH है कि नहीं। जैसे ही मैंने इसमें H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन ऐड कर दिया CH3CH2OH2 बन गया है, क्या बन गया? OH2 बन गया कि नहीं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो खाली OH होता है लेकिन ये क्या बन गया, जैसे इसमें H प्लस OH जुड़ा तो ये बन गया OH2, ये बन गया। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, अब सेकंड स्टेप में आ जाओ। स्टेप सेकंड क्या कह रहा है? CH3CH2OH2 ये OH2 बन गया था कि नहीं फर्स्ट स्टेप में, इसको आगे ले आया मैं, इसको रीमैनेज कर रहा हूं। जैसे मैंने इसको रीअरेंज किया तो ये बन गया CH3CH2, CH3CH2 ये एल्केन बन गया। अरे एल्केन बना कि नहीं? दो कार्बन एथेन, वैलेंसी की बात में डिस्कस करेंगे, मुझे समझ रहा है तुम वैलेंसी पे पहुंच गए होगे। दो कार्बन एक सिंगल बॉन्ड एथेन और वाटर बाहर निकल गया, आउट हो गया, इससे वाटर आउट हो गया। यही हमारा टॉपिक था, एल्कोहल से वाटर का बाहर निकालना डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। ये एल्कोहल था इसमें से वाटर आउट कर दिया, इसका मतलब ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। यस या नो? स्टेप नंबर 3, ये तीसरा स्टेप है। देखो जो आप ये कह रहे सर कि यहाँ पे गुड़िया सोच रही थी, पायल गुड़िया कह रही थी सर ये देखो आपने यहाँ पे इसकी वैलेंसी पूरी नहीं की, या CH3 कर दिया या CH2 कर दिया, ऐसा ना, या तो आप CH3 करो यहाँ पे कुछ और छेड़खानी करो इसके साथ। तो इसका मतलब ये हो रहा है, तीसरे स्टेप में इस कंसेप्ट को भी क्लियर कर देता हूँ,
CH3 CH2 और एक मैंने यहाँ पे धनायन लगा दिया जो इसकी अगली वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, इसको हटाएंगे CH3 कर देंगे। ये प्लस जो है इसकी तीसरी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है और फिर ये कंपाउंड बन गया इससे CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख सकता हूं इस साइड से CH2 डबल बॉन्ड CH2 दो कार्बन क्या होते हैं एथ और डबल बॉन्ड के लिए ये एथीन बन गया। क्या बन गया एथीन और लास्ट में क्या फ्री हो गया एक्स प्लस एन वही हाइड्रोनियम आयन। आई डाउट ऑन द स्पेशल नोट द कंसंट्रेट H2SO4 यूज्ड ऑफ इन दिस फर्स्ट स्टेप जो H2SO4 है ना उसको पहले स्टेप पे अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे एक्स प्लस को ये जो एक्स प्लस हमें मिला है इसको यूज करेंगे इज अ रिलीज इन द थ्री स्टेप H2SO4 एक स्प्रे एज कर दे ये बन गया H2SO4। यहाँ तक कोई डाउट?